नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। बहराइच में खूनी भेड़ियों का आतंक बेलगाम हो चुका है। यहाँ भेड़िये लगातार इंसानों पर हमले कर रहे हैं। वन विभाग अभी तक भेड़ियों को पकड़ना तो दूर, उनका सही पता तक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। कल रात भी भेड़िये ने लगातार तीसरे दिन एक बच्ची पर जानलेवा हमला किया। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। आपको बता दें कि बहराइच में क्यों नहीं थम रहे भेड़ियों के हमले। आपको बता दें, कल रात भेड़ियों ने एक 5 वर्षीय लड़की को दबोचने की कोशिश की, लेकिन लोगों की सतर्कता से भेड़िया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। जाल बिछा है, पिंजरा लगा है, ड्रोन से चारों ओर निगरानी है, लेकिन वन विभाग के सभी पैंतरे फेल हैं, क्योंकि भेड़ियों का अटैक अब भी जारी है। बहराइच में भेड़ियों का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ के 35 से ज्यादा गांव में इन दिनों भेड़ियों की ऐसी दहशत है कि लोगों की आंखों की नींद अब गायब हो चुकी है। लोग रथ जगाकर अपने अपने गांवों में पहरा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी भेड़िये उनको चकमा देकर गांवों में लगातार हमले कर रहे हैं। नया दिन, नए हमले, नए शिकार, और उन नए शिकारों में आज नाम 5 वर्षीय लड़की का, जो भेड़िया इन झाड़ियों से होता हुआ गांव में दाखिल होता है, रात के अंधेरे में आता है और गांव के अंधकार का फायदा उठा घरों में दाखिल होता है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो बहराइच उस जगह पर हैं कुछ घंटे पहले जहां पर वो आदमखोर भेड़िया आया था। ताजा मामला है बहराइच के पंडोहिया ग्राम पंचायत के गिरधर पुरवा का, जहां कल एक बार फिर से भेड़िये ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, लेकिन बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि वो इस जानलेवा हमले में बाल बाल बच गई। खाना पानी खा के 10 बजे सो गए, तो 9 बजे 10 बजे आई है भेड़िया, तो पकड़ ली है से बरामदा में लेटी रहे थी। आराम से इतनी आराम से नहीं गवाह काट के यहाँ के तुरंत हल्ला दंगा भवा है, भाग ली से। 5 वर्षीय अफसाना अपनी दादी के पास आंगन में सोई थी कि भेड़िये ने अफसाना पर हमला कर दिया, लेकिन अफसाना की दादी के सतर्क होने की वजह से भेड़िया अफसाना को खींचकर खेत में ले जाने में नाकाम रहा। भाई से जो वो पकड़ी चिल्लान, भाई से हम क्या क्या लिया, हाँ जाना दौड़िया, उसके बाद क्या हुआ, गांव बस्ती दौड़िया, हमारे बेटे को बचा लियो, तब छीन पावा। तो आप डरी थी जब भेड़िया आपने देखा? हम चाहे मच्छरदानी लागे और बेटिया चपटाए हैं, और वो मच्छरदानी लागे लागे डंडा गिर गए और खींच ली अपनी बार अपनी लंग खींच ली। अफसाना रात में अपने बरामदे में खुले आसमान के नीचे सोई हुई थी और घर के बरामदे में कोई दरवाजा नहीं लगा था। ये वो घर है, पहली तस्वीर जो है वो ये बता रही है कि इस घर में दरवाजा नहीं है, जिसने भेड़िये का आना कुछ हद तक आसान कर दिया है। यहाँ जरूर एक इस तरह की लकड़ी नुमा दरवाजा बनाने की कोशिश की गई है, जिसे शायद यहाँ डाला भी गया होगा, लेकिन भेड़िया के लिए शायद इससे पार पाना बेहद आसान है। काफी गरीबी में ये गांव जीता है, तमाम दावे जरूर हुए हैं दरवाजे लगवाने के, लाइटें लगवाने के, लेकिन धरातल पर ये सभी शून्य है। शोर सुनकर और गाँव वालों के पहुँच जाने के बाद भेड़िया भाग खड़ा हुआ और जख्मी बच्ची को लोग अस्पताल लेकर भागे। घर वालों का कहना है कि गांव में अगर रोशनी का इंतजाम होता तो भेड़िये को शायद पकड़ा जा सकता था। गांव वाले इसलिए भी ज्यादा खौफजदा हैं क्योंकि एक दिन पहले ही इसी जगह से महज 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भेड़िये ने एक 2.5 साल के बच्चे का शिकार किया, बावजूद इसके उसे पकड़ा नहीं जा सका था। पिछले 3 दिनों में खूनी भेड़ियों ने 5 लोगों पर अटैक किया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि 1 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। शनिवार की रात भेड़ियों ने 2 लोगों पर हमला किया, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। बच्ची की मां और जख्मी कुन्नूलाल के साहस और समझदारी दिखाने की वजह से उन दोनों की जान बच गई।
जबकि रविवार रात नरभक्षी भेड़ियों ने महसी तहसील के दो अलग अलग गांवों में दो लोगों पर जानलेवा हमला किया। इसमें एक 3 साल की बच्ची की जान चली गई और एक बुजुर्ग महिला कमला देवी जख्मी हो गई। और कल रात भेड़ियों के एक और हमले में पंडोहिया ग्राम पंचायत में एक छोटी सी बच्ची अफसाना भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। 4 भेड़िया देखा था हमने 2 बजे रात में। वन विभाग तो कह रहा है 2 बजे, वन विभाग कह रहा है 2 बजे। उनकी पूरी टीम है इधर सर, उनके कैमरा में आते हैं उतने तो बताएंगे, और जो छिप जाते हैं उसको कहां बताएंगे। चिंता की बात ये कि तमाम कोशिशों के बावजूद बहराइच में पुलिस प्रशासन और वन विभाग मिलकर भी आधी रात को हो रहे आदमखोर के घात को रोक नहीं पा रहे, और अब उस आदमखोर का आतंक रोज नए गांवों तक पसर रहा है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़िये लगातार हमला करके मानो सरकार और वन विभाग को सीधी चुनौती दे रहे हैं, और वन विभाग फिलहाल इस चुनौती के आगे बेदम नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का अब आखिरी सहारा केवल भगवान बचे हैं, जिनके आगे पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि वन विभाग की जगह भगवान के दर पर क्यों पहुंचे ग्रामीण। आपको बता दें, भेड़ियों के बढ़ते हमले ने ग्रामीणों का वन विभाग और प्रशासन पर से भरोसा उठा दिया। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना और दुआओं का सहारा ले रहे हैं। भेड़िये के आतंक से दहला बहराइच, बेलगाम भेड़ियों के चपेट में 35 गांव, वन विभाग की कोशिशें हुई नाकाम। भगवान के डर से अब आखिरी आस। होनी भेड़ियों के लगातार हमलों से दहशत में आए गांव वालों का भरोसा अब वन विभाग से उठ चुका है। भेड़ियों को पकड़ने में फेल साबित हो रहे वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की बातों पर अब कोई भी कान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब गांव वाले भेड़ियों के कहर से बचने के लिए भगवान की शरण में चले गए हैं। कल रात में एक बच्ची पर भेड़िया के एक हमले के बाद पंडोहिया गांव में सहमे ग्रामीण अब मंदिरों में इकट्ठा होकर सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। मंदिर के सामने बजरंग बली और भगवान भोले के सामने माथा टेक रहे हैं और सुंदर कांड कर अगरबत्तियां धूप बत्तियां जला रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके जरिए बजरंग बली को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब भेड़ियों को केवल बजरंग बली की गदा ही भगा सकती है, और उसके लिए उनका हवन पूजन यहां चल रहा है। गांवों में भय का माहौल इस कदर है कि ग्रामीणों को लग रहा है कि उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा केवल भगवान ही दिला सकते हैं। बस बजरंग बली के शरण में आए हैं, ये अपनी ही गदा से हम लोगों को बचाएंगे। बजरंग बली से गुहार करते हैं कि वही हम लोगों को बचाएंगे, और हम लोग उन्हीं के शरण में आए हुए हैं। भेड़ियों की दहशत से जूझते इन गांवों में रात को बिजली नहीं आती है। ऐसे में इन गांवों में आदमखोरों का आतंक सबसे ज्यादा है। भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की नाकामी के बाद गांव वालों में काफी गुस्सा है। जो अधिकारी लोग आते हैं, जो यहां वन विभाग वाले आते हैं, वो ड्रोन कैमरा पता नहीं कहां उड़ाते हैं, कहां देखते हैं, वो इसके बाद चले जाते हैं। लोड कोई हाल लेने वाला है नहीं, और हम सब डर के मारे पूरी पूरी रात जागते हैं, बैठे रहते हैं। गांव वालों में भेड़ियों का भय इस कदर हावी हो चुका है कि अब लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इनका कहना है कि खौफ इस कदर है कि अब लोगों ने धीरे धीरे गांव छोड़ना शुरू किया है, दावा गांव वाले कर रहे हैं। अभी तक 2 परिवार जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह का खौफ इस गांव में है, तो क्या ये बहराइच के सिकंदरपुर गांव में पलायन की शुरुआत कही जाएगी। ये है बहराइच का सिंहतरपुर मक्कापुरवा गांव, जहां अब तक भेड़िये 4 बार हमला कर चुके हैं। भेड़ियों के इस हमले में गांव के एक बच्चे की मौत हो चुकी है। गांव वालों का दावा है कि भेड़ियों के आतंक की वजह से इस गांव के 2 परिवारों ने पलायन कर लिया है। यहां से 3 लोग निकल गए, 2 लोग निकल गए तो एक आ गया है, एक अभी पंजाब में है। यहां से सब भाग लिए। कितने परिवार जा चुके हैं? 2 लोग।
अभी तन के घर में कहाँ सोई रहा जा, रात में घर में सोई रहा तो बाहर निकलो तो उठाई ले जाता, हाथे छीन ले जाता। इसी गांव में रहने वाले रामू के भाई राम कुमार ने बताया कि रामू और उसका परिवार भेड़िए के हमले से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और भेड़िए के एक हमले के बाद उसे अपने बच्चे और परिवार की चिंता सता रही थी। राम कुमार का कहना है कि उन लोगों ने रामू को रोकने की कोशिश की लेकिन वो अपनी फसल को बटाई पर लगाकर अपने घर में ताला लगाकर परिवार को लेकर पंजाब चला गया है। क्या लगता है किस तरह का डर है यहाँ पर? जानवर जो है रोज पटरे आता है, अली के घर पे तो जो है पर्दे आता है, हम लोगों को कभी जो है बीच बीच में दिखता है। भेड़ियों के हमले से जुड़ी घटनाओं की वजह से गांव वाले डरे और सहमे हुए हैं और फिलहाल दो परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अगर स्थिति में जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो यहां पलायन बढ़ भी सकता है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। वन विभाग का दावा है कि बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बने भेड़ियों के झुंड में 6 भेड़िए थे, जिनमें से 4 को उन्होंने पकड़ लिया और 2 भेड़िए उनकी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि जिस तरह से अलग अलग गांवों में हर दिन जानलेवा हमले हो रहे हैं, वो केवल इन 2 भेड़ियों का काम नहीं हो सकता। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा तीसरा सवाल है कि क्या सिर्फ 2 भेड़िए लगातार हमलों को दे रहे हैं अंजाम, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। भेड़िए की वजह से बहराइच में डर का माहौल व्याप्त है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या केवल सच में 2 ही भेड़िए हैं? वन विभाग के मुताबिक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 भेड़िए अभी भी जंगलों में, बागों में, गांवों में घूम रहे हैं। लेकिन तमाम गांव वाले ऐसे भी मिल रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कल, परसों या पिछले हफ्ते में 3 से 4 भेड़ियों को गांव, खेतों और बागों में चलते हुए देखा है। इतना ही नहीं, गांव वाले ये तक दावा कर रहे हैं कि तमाम भेड़ियों के पांव के निशान भी देखे गए हैं और वो एक झुंड में चलते हैं। 3 से 4 भेड़िए रात के समय निकलते हैं और अपना शिकार गांव में जाकर करते हैं, जिसमें अधिकतर मामलों में उनका पहला टारगेट छोटे बच्चे होते हैं और उसके बाद अन्य लोग। करीब एक हफ्ते पहले जब एक खूंखार भेड़िए को पकड़ने का दावा वन विभाग ने किया तो साथ में यह भी कहा कि बचे हुए 2 भेड़िए जल्द ही काबू में आ जाएंगे, लेकिन वन विभाग का यह दावा हवा हवाई साबित हुआ। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि भेड़ियों को दबोचने का दाव क्यों हो रहा है नाकाम, इसके बारे में भी आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। बात यह है कि आखिर इतने सरकारी अमले वन विभाग के आने के बाद भी जो टीमें हैं वो भेड़ियों को पकड़ने में विफल क्यों हो रही हैं? लगातार टीमें बढ़ाई जा रही हैं, चाहे राजस्व की हो, वन विभाग की हो, प्रशासन की हो, कॉम्बिंग भी कुछ जगह पर हो रही है, ड्रोन भी से भी देखा जा रहा है, लेकिन भेड़िए जो हैं वो पकड़ में विभाग के नहीं आ पा रहे हैं। दावे ये भी हैं कि वन विभाग के अधिकारी जिस मुस्तैदी से शुरुआत में प्रयास कर रहे थे अब उस मुस्तैदी से प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो सड़कों पर अपनी जीप से घूम जरूर रहे हैं लेकिन भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो तीव्रता चाहिए वो शायद विभाग नहीं दिखा पा रहा है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बैठकर सख्त निर्देश देते हैं, आला अधिकारियों को लखनऊ से भी भेजते हैं, लेकिन उसके बाद भी भेड़ियों के हमले लगातार जारी और हर दिन एक नया हमला होता दिखता है। आदमखोर भेड़िए ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं तो वन विभाग के लिए चुनौती। भेड़ियों के लगातार अटैक ने सभी की नींदें उड़ा रखी है और किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भेड़ियों के आतंक पर लगाम आखिर कैसे लगे। इसी से जुड़ा हमारा पांचवा सवाल है और हमारा सवाल है कि आदमखोर जानवरों पर काबू पाने के क्या है उपाय, इसके बारे में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट यादवेंद्र देव झाला विस्तार से समझा रहे हैं। आदमखोर जानवर नहीं होते हैं, एकाद दो जानवर कभी समस्या की वजह से इंसानों पे हमला कर लेते हैं, तो ये उनकी सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वो नहीं तो भूखे मर जाएंगे।
तो ये इनके ऊपर काबू करना तो एक ही उपाय है, उसका या पकड़ा जाए या उसको मारा जाए। भेड़ियों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने करीबन 30 से 40 भेड़िये मेरी जिंदगी में पकड़े हैं, परंतु उनको मैंने लेग होल ट्रैप में और स्नेज में पकड़ के जकड़ के उसको गले में रेडियो कॉलर लगा के अभ्यास के लिए पकड़े थे। यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको पिंजरे में पकड़े हैं, वो बहुत कॉम्प्लीमेंट के लायक है क्योंकि भेड़ियों को पकड़ना बहुत आसान नहीं होता, तो उनको पकड़ना पड़ेगा या उनको मारना। भेड़ियों के बढ़ते आतंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने अब खूनी भेड़ियों को गोली मारने के आदेश पर मोहर लगा दी है। सरकार की तरफ से वन विभाग को आदेश दिए गए हैं कि भेड़ियों को पकड़ो या फिर गोली मार दो। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है, और हमारा सवाल है कि आदमखोरों को गोली मारने के सरकारी फरमान से क्या बनेगा काम। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाने का ऐलान किया है। देखिए, लोगों से यही कहते हैं कि गार्जियन, एक गार्जियन जरूर जगे। बल्ब सब खंभों पे लगवाया गया है। हम लोग अपना प्रयासरत रहते हैं, रात भर जगते हैं और रात भर चलते भी हैं और लोगों को जगाते हैं कि कोई सब लोग अपने अपने घर का सुरक्षा करते रहिए। बहराइच में भेड़ियों के आतंक और लखीमपुर खीरी में बाघ के खौफ से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब निर्णायक कार्रवाई का ऐलान किया है। बहराइच में खूनी भेड़ियों के पकड़ने के सभी प्लान के नाकाम होने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि अगर भेड़िये पकड़ में नहीं आ रहे तो उनको गोली मार दी जाए। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है, इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ ले, नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। दरअसल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। यहाँ करीब 2 महीनों में भेड़ियों ने 10 लोगों को अपना शिकार बना लिया। वन विभाग लगातार इन भेड़ियों को दबोचने की कोशिशों में लगा है, लेकिन अब तक नाकामयाबी ही हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ भेड़ियों के हमले भी लगातार जारी हैं। ऐसे में भेड़िये के आतंक और गांव वालों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए योगी सरकार एक्शन में आ गई है। भेड़ियों के खौफ से जूझती करीब 50,000 लोगों की आबादी की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक की। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और प्रभावित इलाकों में अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक की अतिरिक्त तैनाती के आदेश दिए हैं। इसके अलावा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि अगर भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सकता तो आदमखोर हो चुके उन जानवरों को गोली मार दी जाए। यानी अगर तमाम उपाय आजमाने के बावजूद भेड़िये के आतंक पर नकेल कसने में प्रशासन नाकाम रह रहा है तो आखिर उपाय के तौर पर भेड़ियों को गोली मारी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है और कह दिया है कि अगर आपके रूल बुक के हिसाब से जो सारी चीजें हैं वो करने के बाद भी भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो फिर शूट एंड साइट के ऑर्डर्स मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिए गए हैं। गोली मारने के आदेश के अलावा मुख्यमंत्री योगी की बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें संवेदनशील जिलों में गांव वालों के बीच भेड़िये के हमले को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग में तेजी और गहनता बढ़ाने को भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त गांव वालों को हमले की सूरत में रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने के लिए भी कहा गया है। वहीं गांव वालों को भेड़ियों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील इलाकों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग के आदेश दिए हैं। हमने तय किया है फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग, रेवेन्यू, हमारे पंचायती राज, शिक्षा विभाग और सभी विभागों से मिलकर हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस जागृत करनी है कि अपने आप को बचो। रात में अकेले दुकेले जंगल के पास मत जाओ, रात में अकेले दुकेले पानी लगाने मत जाओ खेत में। और लाइट के लिए हमने कहा है कि गांवों में जो संवेदनशील है, जहां पे इस तरह के केसेस ज्यादा हो रहे हैं वहां पे लाइट रहे। यूपी में सबसे ज्यादा भेड़ियों का आतंक बहराइच में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के और भी जिले हैं जहां भेड़ियों का खौफ कम नहीं हो रहा। नंबर 1 पर तो बहराइच का ही नाम है, जहां 10 लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। बहराइच के अलावा इन भेड़ियों की दहशत में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़,
सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली जिले भी शामिल हैं। यहाँ भेड़िये, तेंदुए या दूसरे जानवरों की दहशत बनी हुई है। आदमखोरों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी बचे दो भेड़िये पकड़े जाएंगे और खौफ का खात्मा होगा। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़ियों के दहशत से केवल यूपी का बहराइच ही नहीं बल्कि बिहार का गया भी जूझ रहा है। यहां के मकसूदपुर गांव में भेड़ियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारा सातवां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि गया में भेड़ियों के आतंक से कैसे जूझ रहे हैं लोग। आपको बता दें कि गया के खिजरसराय के मकसूदपुर गांव में स्थित ऐतिहासिक मकसूदपुर का किला इन दिनों भेड़ियों का आशियाना बना हुआ है। अंधेरा होते ही भेड़िये गांव में निकलते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। भेड़िया गांव में अब तक एक महिला को बुरी तरह से लहूलुहान कर घायल कर चुका है। ग्रामीणों के अलावा भेड़ियों के निशाने पर वहां के मवेशी भी हैं जिन पर वो आए दिन हमला करते रहते हैं। भेड़ियों के हमले से आजिज आकर ग्रामीणों ने एक भेड़िये को पकड़कर पीट पीट कर मार डाला। तो इसी के साथ 7 बजे सात सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।